वी आर टॉकिंग अबाउट एसीएमआर गोइंग टू प्लस मॉब की पोस्ट फॉर्म। आज हम लोग ले रहे हैं ऐसा कोई भी काम जो हम करने वाले हैं या होने वाला है। हम जनरल कॉन्वर्सेशन में अक्सर बातचीत करते हैं कि ऐसा कोई भी काम जो होने वाला है या हम करने वाले हैं, जैसे पापा मुझे चिल्लाने वाले हैं, तुम वहां जाने वाले हो, तुम आज बहुत सारे जलेबी खाने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर बात करें कोई भी काम जो होने वाला है, ऐसा कोई भी काम जो हम करने वाले हैं। नेक्स्ट, जैसे कि हम समझते हैं इसका डेफिनेशन, एनीथिंग वी आर गोना परफॉर्म इन द फ्यूचर और प्रेजेंट, हम दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कंडीशन बनता है कि ऐसा कोई भी काम जो प्रेजेंट में होने वाला है, कब होने वाला है? नाउ, जैसे कि बारिश होने वाली है, कब होने वाली है? वी आर नॉट श्योर, बट हम यहाँ पर 50-50% श्योरिटी है कि बारिश होने वाली है। जहां पर भी हम लोग 50% श्योरिटी की बात करते हैं, वहां पर हम गौना का इस्तेमाल करते हैं। समझिएगा आगे, आई के साथ एम, फॉर्मूला समझते हैं सबसे पहले। आई के साथ एम, ही शी एक सिंगुलर के साथ और किसी भी नाम के साथ इज, यू वी दे प्लूरल, सभी के साथ आर, और इन सभी के साथ लग जाएगा गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम बात करते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट की, तो नेगेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए हमको इज एम आर के साथ में नॉट लगाना होता है। यानी हम जब भी इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलते समय, दैट्स कीप इन योर माइंड, व्हेन वी स्टार्ट टू स्पीक इन इंग्लिश वी हैव टू यूज कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म। जब भी हम बोलेंगे तो बोलते समय हमको कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म का इस्तेमाल करना है। जैसा कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इज एम आर के बाद में नॉट लगेगा, और नॉट जब नेगेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे तो इज नॉट को हम कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? इजंट। एम नॉट को कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में हम बोल सकते हैं एमन। इसी तरीके से आर नॉट को कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में हम बोल सकते हैं आंट, नॉट आरंट। हमारे स्कूल टीचर्स और स्टार्टिंग से हम लोग यही सीखते आए हैं कि आर नॉट आरंट होता है, जबकि आर नॉट आरंट नहीं होता है। वॉट शुड बी द राइट प्रोनाउंसिएशन? द राइट प्रोनाउंसिएशन शुड बी aren't, is not, isn't, am not, amn't, are not, aren't. एक बार आप मेरे साथ में रिपीट करेंगे, is not, isn't, am not, amn't, are not, aren't. Right now. अब आगे समझते हैं इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा, एक सबसे पहली चीज, यहाँ पर हम going to की बात कर रहे हैं। Going to का मतलब होता है कोई भी काम करने वाले, ठीक है। एसएमआर अगर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो यह है प्रेजेंट सिनेरियो, ठीक है। अगर हम पास्ट यूज करते हैं तो वाज वर सिनेरियो, और अगर हम फ्यूचर लगाते हैं तो विल बी सिनेरियो का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट सिनेरियो, अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, जिसमें हमने एसएमआर गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कॉन्सेप्ट लिया है। हमको समझने की जरूरत है गोइंग टू को भी हम यहाँ पर स्पीकिंग में गौना का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसको हम लोग बहुत शॉर्ट और बहुत कंट्रैक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि आपकी इंग्लिश बहुत स्मार्ट बनती है। ओके, फाइन। नेक्स्ट है, एग्जांपल के तौर पे एक सेंटेंस लेते हैं, वह बहाने बनाने वाला है, वह बहाने बनाने वाला है। सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा? सेंटेंस है ही इज गोना मेक एक्सक्यूज। अब यहां पर गोइंग टू लिखा है, बगैर हमको बोलना गोना है, इसका हमें ख्याल रखना है कि यहां पर लिखा है गोइंग टू, मगर वी हैव टू स्पीक व्हाट? गोना, गोइंग टू गोना। एक बार आप मेरे साथ बोलेंगे गोइंग टू गोना, एग्जैक्टली। वो सेंटेंस है सिंपल, हम एक सकारात्मक सेंटेंस बना रहे हैं यहाँ पर। सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा? ही इज गोना मेक एक्सक्यूज। नेगेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया है, एम इज आर के बाद में नॉट लग जाएगा, एम नॉट एमंट, इज नॉट इजंट, आर नॉट आंट का यूज होगा। इसी तरीके से हम नेगेटिव स्टेटमेंट को बोलेंगे ही इजंट गोना मेक एक्सक्यूज। जब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें हम बनाएंगे इज ही गोना मेक एक्सक्यूज। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाना है? इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम इस एम आर को उठा के हम आगे ले आएंगे, सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा इज ही गोना मेक एक्सक्यूज, क्वेश्चन प्लस नेगेटिव बनाएंगे इज ही नॉट गोना मेक एक्सक्यूज, वाई प्लस क्वेश्चन, वाई का मतलब होता है क्यों। यहां पर बनेगा सेंटेंस व्हाई इज ही गोना मेक एक्सक्यूज एंड हाउ इज ही गोना मेक एक्सक्यूज। नाउ वी आर गोना ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, जैसा कि मैंने बोला अभी, जस्ट नाउ वी आर गोना ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। तो यही, ये भी इसी बेस्ड का एक सेंटेंस मैंने आपके सामने रखा। नाउ वी आर गोना ट्रांसलेट दिस स्टेटमेंट। ओके, तो यहां पर हम समझते हैं ही इज गोना मेक एक्सक्यूज, वह बहाने बनाने वाला है। ही इजंट गोना मेक एक्सक्यूज, वह बहाने नहीं बनाने वाला है।
Is he gonna make excuse? क्या वो बहाने बनाने वाला है? Is he not gonna make excuse? वह बहाने नहीं बनाने वाला है? And why is he gonna make excuse? वह बहाने क्यों बनाने वाला है? और how is he gonna make excuse? वह बहाने कैसे बनाने वाला है? Are you ready? Now start the drilling part. हम लोग अब यहाँ पर प्रैक्टिस पार्ट लेने जा रहे हैं, जिसमें कि आप मेरे साथ बोलेंगे. ओके, फर्स्ट यू हैव टू लिसन मी केयरफुली. आपको पहले मुझे ध्यान से सुनना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके बाद आप मेरे साथ बोलेंगे. ओके, हम यहाँ पर सिचुएशंस को चैलेंज करना सीख रहे हैं. हम अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में सेंटेंस को विद इन अ सेकंड कैसे बना पाएंगे, दैट इज आवर चैलेंज. यही हमारी स्पेशल ट्रेनिंग की खासियत है कि हम यहाँ पर ट्रेनिंग के अंदर सेंटेंसेस के सिचुएशंस को कैसे फेस कर रहे हैं. Listen to me carefully. He is gonna make excuse. He isn't gonna make excuse. Is he gonna make excuse? Is he not gonna make excuse? Why is he gonna make excuse? And how is he gonna make excuse? Okay, now your turn. Start now. Mere saath bolenge. 1, 2, 3. Start. He is gonna make excuse. He isn't gonna make excuse. Is he gonna make excuse? Is he not gonna make excuse? Why is he gonna make excuse? How is he gonna make excuse? Okay, don't worry about it. आपको demotivate नहीं होना है. It will take time. हमारी ज़बान पर किसी भी चीज़ को आने में थोड़ा सा समय लगता है. अभी आपको थोड़ा सा fumbling हो रहा होगा. Don't worry about it. But practice makes perfect always. आपने सुना होगा, जब हम इसकी practice करेंगे तो definitely you will be able to fluent. Easily आप fluent हो पाएंगे. Okay? तो हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि इस एमआर गुना का यूज कैसे किया जाता है. ऐसा कोई भी काम जो होने वाला है, बारिश होने वाली है, सो इट इज गोना रेन. आगे कुछ एक्सरसाइज ले लेते हैं. एक्सरसाइज में हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं. मैं सिगरेट छोड़ने वाला हूँ, लीव स्मोकिंग, इसके सामने मैंने आपको कुछ वर्ड्स भी दिए हैं, उसके वर्ब. ठीक है, वे 1000 उधार देने वाले हैं, हम फ्रीज खरीदने वाले हैं. इसी तरीके से हम वन बाय वन इस सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं. So are you ready for that? Okay, let's start. पहले आप बोलेंगे, sentence को बनाएंगे, उसके बाद मैं आपके sentence को translate करूँगा. चलेगा? Yeah, ready? मैं सिगरेट छोड़ने वाला हूँ. Your turn. I am gonna leave smoking. वे 1000 उधार देने वाले हैं. They are gonna लैंड 1000 रुपीज. हम फ्रीज खरीदने वाले हैं. वी आर गोना बाय रेफ्रिजरेटर. सूरज निकलने वाला है. सन इज गोना अराइज. हम इस रूम में नए पर्दे लगाने वाले हैं. हम इस रूम में नए पर्दे लगाने वाले हैं. We are gonna put the curtains in this room. पौधा बढ़ने वाला है. Plant is gonna grow. हम पास होने वाले हैं. We are gonna pass. लहरें किनारों से टकराने वाली है. Waves are gonna crash from the shore. वह गिरने वाला है. He is gonna fall. वह तारीफ करने वाले हैं, या वे तारीफ करने वाले हैं, दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट होता है. समझिएगा ध्यान से, अगर हमने यहाँ पर वह लिखा है तो हम किसी सिंगुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, और अगर हम वे लिखते हैं तो वहां पर हम दो या दो से ज्यादा लोगों की बात कर रहे होते हैं. सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर वह लिखा है तो हमको क्या लगाना है, ही, और अगर वे लिखा है तो वहां पर हमको लगाना है दे. वह तारीफ करने वाले हैं तो सेंटेंस हो जाएगा, He is gonna appreciate. Got it? I hope you understand this practice. आपको प्रैक्टिस में मजा आया होगा. डेफिनेटली इसी तरह की आगे भी हम लोग कई प्रैक्टिसेस यहाँ पर करने वाले हैं. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.